नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मोक्स में। वेब डेवलपिंग और डिज़ाइनिंग सीरीज़ के अंदर ये हमारा तीसरा लेसन है, तीसरा चैप्टर है हमारा ये। इसके अंदर हम सीखेंगे टेक्स्ट के कुछ फॉर्मेटिंग, जिसके अंदर हम अलग अलग टेक्स्ट को कैसे किस तरीके से लिखी जाती है वो, प्लस उसको हम कैसे सजा सकते हैं टेक्स्ट को, जैसे कि बोल्ड करना, उसे इटैलिक करना, उसे उसके नीचे अंडरलाइन करना, और हेडिंग के अलग अलग प्रकार। जैसे कि कोई भी आप पैराग्राफ लिखते हो, कोई भी कंटेंट लिखते हो, इसके अंदर आप हेडिंग देने की कोशिश करते हो, तो उस हेडिंग देना है तो वो कैसे देना है, हेडिंग कौन सी साइज में, सिंपल टैग इस्तेमाल करके हम हेडिंग को कैसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस लेसन के अंदर सीखेंगे। सबसे पहले हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। HTML/HTML /HTML ये हो गया। उसके बाद में उसके अंदर हम लिखेंगे हेड, और हेड के अंदर हम लिखेंगे टाइटल टैग को, टाइटल टैग को हमने लिखा अंदर, और टाइटल टैग के अंदर हम चैप्टर 3 लिखेंगे 3। तो ये हो गया हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अब नीचे हम लिखेंगे बॉडी, बॉडी के अंदर हम अपना काम शुरू करेंगे। तो ये हो गया बॉडी, बॉडी के अंदर हम 3-4 एंटर मार देते हैं और इसके अंदर हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई भी हम सेंटेंस लिखेंगे, उसको हम बोल्ड करेंगे, इटैलिक करेंगे, उसके बाद उसके नीचे अंडरलाइन करना सीखेंगे हम, कैसे किया जा सकता है, चलिए देखते हैं। तो हम लिखते हैं इंडिया इज़ द बेस्ट, चलिए हमने लिख दिया इंडिया इज़ द बेस्ट। अभी इस सेंटेंस को हमने क्या करना है, बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए एक टैग आता है HTML का, उसका नाम है बी टैग। ये है बी टैग, और यहाँ पर उसे बी टैग को ख़त्म करने के लिए स्लैश बी टैग का इस्तेमाल किया जाता है, तो स्लैश बी टैग हमने लिख दिया। तो ये अभी हमारा जो इंडिया इज़ द बेस्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ये बोल्ड हो जाएगा। तो वैसे आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर इंडिया इज़ द बेस्ट यहाँ पर नॉर्मल फॉन्ट के अंदर भी लिख देता हूँ यहाँ पर। चलिए, ताकि आपको पता लग जाएगा। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, और हम जहाँ पर हमारा चैप्टर सेव है वहाँ पर जाके हम इसको खोल देते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 3 है, मैं इसे डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। वेब ब्राउज़र खुल गया हमारा, और यहाँ पर देखिए ये इंडिया इज़ द बेस्ट जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल नॉर्मल फॉन्ट के अंदर है, और नॉर्मल इसमें ना बोल्ड है ना कुछ है, और इसमें देखिए थोड़ा सा बोल्ड किया हुआ है ये। तो ये था बोल्ड टैग का कमाल। तो चलिए अभी हम और भी इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं कुछ अलग अलग टैग। मैं दोनों को एक साथ यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, ताकि आपको जो यहाँ पर चेंजेस हो यहाँ पर सीधा आपको आउटपुट में दिख जाए। तो अभी हम चलेंगे इसको करेंगे इटैलिक। तो इटैलिक करने के लिए दोस्तों हमारे को, जैसे आप कंट्रोल यू करते हो वैसे यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन के अंदर बीच में आपने यू करना है। तो यू लिखने के लिए लेस देन यू ग्रेटर देन, बस ये हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखनी है आपने, कि जिस ऑर्डर के अंदर आपने यहाँ से इसे शुरू किया है उसके रिवर्स ऑर्डर के अंदर आपने यहाँ पर जो टैग है वो सारे स्लैश करके इस्तेमाल करने हैं। यानी कि यहाँ पर बी पहले आया, यू बाद में आया, तो यहाँ पर यू पहले आएगा, बी बाद में आएगी, यानी कि यहाँ पर अपना स्लैश यू आएगा। ओके, तो हमने स्लैश यू यहाँ पर लिख दिया। तो अभी क्या ये जो लिखा हुआ सेंटेंस वो अंडरलाइन हुआ है कि नहीं हुआ है वो हम देख लेते हैं। सॉरी, पहले मैंने इटैलिक करना था, कोई बात नहीं, बट हम यहाँ पहले अंडरलाइन देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको इटैलिक भी देखेंगे। तो इटैलिक करने के लिए हमारे को लेस देन ग्रेटर देन के बीच में आई लिखना पड़ेगा। तो पहले इसका आउटपुट हम देख लेते हैं, इसको हम सेव करते हैं और यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर देखिए, यहाँ पर अंडरलाइन हो गई है। और मैं चाहता हूँ इसको इटैलिक भी हो, तो इसके लिए हमारे को लेस देन ग्रेटर देन के बीच में आई लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लेते हैं आई, ये देखिए, और यहाँ पर जो यहाँ बाद में हुआ है वो है पहले आएगा रिवर्स ऑर्डर के अंदर। तो यहाँ पर हमने कंट्रोल, यहाँ पर हमने लेस देन ग्रेटर देन के बीच में यहाँ पर आई
तो अभी देखिए ये तीनों को हमने सेव कर लिया, बी पहले यू बाद में फिर उसके बाद में आई, यहाँ पर रिवर्स ऑर्डर में शुरू हुआ आई यू और बी। ओके तो इसको सेव कर लिया, हम रिफ्रेश करते हैं तो ये इटैलिक हो गया होगा, देखिए ये इटैलिक हो गया अभी। तो ये था कुछ टैग्स को आप कैसे सजा सकते हो, कैसे आपके मर्जी से इसके आप चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, कोई भी कंटेंट लिखते हो, इसके अंदर हम हेडिंग का इस्तेमाल हमारे को करना पड़ता है। तो वो हेडिंग कैसे लिखी जाएगी वो हम देख लेते हैं। पहले मैं दो तीन बी आर लिख के यहाँ पर इसको लाइन को ब्रेक कर देता हूँ। यहाँ पर नीचे हम लिखते हैं हेडिंग के टैग। हेडिंग के दोस्तों टैग ऐसे हैं, H1 से लेके H6 तक HTML के अंदर हेडिंग होता है। तो H1 यानी कि वो सबसे मतलब उसकी फॉन्ट साइज़ ज़्यादा होगी, H2 का थोड़ा सा उससे कम होगी, H3 की उससे भी कम होगी, वैसे वैसे करते करते H6 तक सबसे कम हो जाएगी उसकी फॉन्ट साइज। तो H1, H2, H3, H4, 5 और 6 ये सारे जो टैग है वो हेडिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम देंगे हेडिंग यहाँ पर इंडिया इज द बेस्ट। चलिए हमने इंडिया इज द बेस्ट एक सेंटेंस लिख दिया, इसको हम हेडिंग बोलेंगे। तो हेडिंग के लिए हमने यहाँ पर H1 का इस्तेमाल करना है, तो हम H1 का इस्तेमाल करेंगे। ये है H1 टैग, इसको हम ख़त्म भी स्लैश H1 से ही करना है हमने। ये देखिए ओके। अभी मैं H1 से लेके H6 तक सारे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता लगेगा, हर एक के बीच का डिफरेंस आपको पता लग जाएगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर मैं इसके पेस्ट करा जाता हूँ। चलिए ये हो गया। तो अभी आपको इसमें क्या नज़र आएगा हम देखते हैं। यहाँ पर H1 की जगह पर H2 कर देते हैं, यहाँ पर भी H2 कर देंगे हम, यहाँ पर हम H3 कर देते हैं ताकि सारे जो हेडिंग है हमारे वो अलग अलग फॉन्ट साइज में के अंदर हमारे दिख जाएंगे। H4 H5 H6 यहाँ पर भी सेम वैसे ही H4 H5 और H6 ओके। तो हम इसको सेव कर देते हैं अभी और देखते हैं इसका आउटपुट क्या होता है। देखिए यहाँ पर इंडिया इज द बेस्ट सबसे ऊपर बड़ा लिखा हुआ है, उसके बाद इससे छोटा है, इसके बाद इससे छोटा है, ऐसे वैसे करते सबसे छोटा हो गया। तो इस तरीके से आप हेडिंग टैग का इस्तेमाल करके कोई भी हेडिंग को आप जो आपके नॉर्मल जो कंटेंट जिस राइटिंग में लिखा हुआ है उससे थोड़ा हेडिंग को आप बड़े साइज में लिख सकते हैं। और इसके अंदर आप अलग अलग फेस एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो मैं आगे आने वाले लेसन के अंदर आपको बताऊँगा। तो ये चीज़ है दोस्तों इसके अंदर। उसके बाद में हम उसकी टैग्स के कुछ फॉर्मेटिंग भी देख लेते हैं, जैसे कि पहले मैं यहाँ BR टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ, थोड़ा सा गैप हो जाएगी आपकी। ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी जैसे कि EM, ये क्या होता है कि किसी भी टैग को फॉर्मेट कर देता है, कोई अलग अलग साइज में अलग अलग स्टाइल के अंदर वो लिख लेता है। तो एक EM टैग हो गया, एक SAM टैग हो गया, एक कीबोर्ड टैग, एक TT टैग यानी कि टेली टाइप टैग, ये सारे टैग जो है वो अलग अलग स्टाइल में आप किसी भी टैग्स को लिख सकते हैं। सारे टैग का हम इस्तेमाल करके इंडिया इज द बेस्ट को हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो ये तो आपने देख लिया, तो यहाँ पर हम चलिए उसका इस्तेमाल करते हैं, EM टैग का इस्तेमाल, EM टैग ओके। चलिए मैं इसको तो निकाल देता हूँ, सीधा EM टैग ही आ गया तो इसको ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं।
इसके बीच में लिख देते हैं इंडिया इज द बेस्ट। ओके तो बाकी हम टैग भी देख लेते हैं ताकि आसानी हो जाए हमारे को लिखने में और समझने में भी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। चलिए अभी अलग टैग का हम इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। एम के बाद में दोस्तों एक और टैग आता है स्ट्रॉन्ग टैग। ये स्ट्रॉन्ग टैग हो गया तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम। उसके बाद में एक और टैग है केबीडी टैग यानी कि कीबोर्ड टैग। केबीडी टैग इसके अंदर भी सेम वही। केबीडी टैग ओके। उसके बाद में यहाँ पर और एक टैग है टीटी टैग। यहाँ पर भी स्लैश टीटी। एक और टैग है सैम टैग। वैसे बहुत सारे टैग हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इंटरनेट के ऊपर आप डाउनलोड करके वहाँ से आप सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ ही टैग का इस्तेमाल करूँगा जिससे आपको क्या है कि समझाने के लिए। बाकी तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। ये देखिए ये इसको हम सेव कर लेते हैं। ये हमने ई एम स्ट्रॉन्ग केबीडी टीटी और सैम ये टोटल चार टैग का हमने इस्तेमाल किया और इस टैग से हम देखते हैं कि किस तरीके से ये इंडिया इज़ द बेस्ट जो लिखा हुआ है उसका हमारे को आउटपुट मिलता है। तो हम रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ पता लग जाएगा। ये देखिए सबकी साइज और सबका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है हर एक से अलग अलग। इसको मैं वैसे पता नहीं लगेगा आपको यहाँ पर बी ए टैग का इस्तेमाल करता हूँ। इस कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आप काफ़ी अच्छी तरह से काफ़ी फास्ट आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ रिफ्रेश करता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर सबका अलग अलग है। कुछ थोड़ा सा डिफरेंट सब सबके अंदर है। कुछ जो है वो बिल्कुल ही कम डिफरेंट है लेकिन आपकी मर्जी है जिस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वैसे बहुत सारे इसके अंदर टैग है तो इसका इस्तेमाल करके आप ये टैग्स को अलग अलग फॉर्मेट के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हो। तो आज का जो लेसन था वो इसमें इतना ही था कि हम कैसे टैग को हम सजा सकते हैं कैसे इसको अलग अलग साइज में हम चेंज कर सकते हैं और इसके नीचे अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं और इटैलिक बोल्ड वगैरह। तो अगले लेसन के अंदर हम दोस्तों सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी टैग्स का कलर चेंज करना है किसी भी टैग्स के पीछे बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं और कैसे आप एक टिकर बना सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।